हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपसरा प्रोडक्शन हाउस के मंच पर। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो हम करेंगे कंपैरिजन। भैया कंपैरिजन किसका करेंगे? मैच नंबर 23 जो खेला जाने वाला है भैया गुजरात और राजस्थान के बीच में। ये मैच बहुत ही ज़्यादा टक्कर का होने वाला है और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, और अगर स्किप करके देखते हो तो भाई आप लॉस में भी जा सकते हो। तो भैया चलो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। ये जो मैच खेला जाने वाला है वो गुजरात के होम ग्राउंड पे ही खेला जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित होगा गुजरात के लिए। तो भैया गुजरात की तरफ से पहला प्लेयर जो आपको खेलते हुए नजर आएगा वो है रिद्धिमान शाह, और राजस्थान की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल। भैया रिद्धिमान शाह की करंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भैया अभी बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। IPL और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही औसम आप कह सकते हो। यशस्वी जायसवाल की जो करंट परफॉर्मेंस है ना वो भी बहुत ही अच्छी है। IPL और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब दोनों ही खिलाड़ी काफ़ी अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं। लेकिन भैया यशस्वी जायसवाल का जो रिकॉर्ड है ना मेरे हिसाब से रिद्धिमान शाह पे भारी पड़ता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है। तो भैया यहाँ पर जो मेरा एक पॉइंट जाता है ना वो किसको जाता है? यशस्वी जायसवाल को ही जाता है। दूसरे नंबर पर गुजरात की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल, वहीं पर आपको राजस्थान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे जॉस बटलर। शुभमन गिल की करंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भैया बहुत ही अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं। IPL और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना वो भी भैया बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही औसम है। वहीं भैया जॉस बटलर भी किसी से कम नहीं है, इनका जो करंट परफॉर्मेंस वो भी बहुत ही तगड़ा है। IPL और इंटरनेशनल का जो एक्सपीरियंस है ना इनका वो भी बहुत ही लाजवाब है। तो भैया यहाँ पर ना दोनों ही खिलाड़ी किसी से कम नहीं है, दोनों ही खिलाड़ी टक्कर के हैं। तो भैया यहाँ पर मैं किसी को पॉइंट नहीं दूंगा, किसी को पॉइंट देने का मतलब है कि दूसरे प्लेयर की बुराई करना या उसको नीचा दिखाना। तो भैया मैं इनको दोनों को बराबर रख रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भैया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा द स्पोर्ट प्रिंस कंसल्टेंसी, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके जान सकते हो कि भैया आज का मैच कौन सी टीम अपने नाम पर कर सकती है, सिक्का किसके पाले में गिरेगा, कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में अच्छे रन मारेगा या कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में अच्छी विकेट निकाल कर अपनी टीम को देगा। और वहीं भैया आप लोग ये भी जान सकते हो कि 10-15 ओवर में कितने रन बन सकते हैं। साथ ही साथ इनका व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ये सारी चीज़ें ना डायरेक्ट इनको व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। और आप अगर इनको ये बताते हो कि भैया हम अपसरा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आए हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो भैया जो इस ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ तुरंत डाउनलोड करो इस ऐप को। तीसरे नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन, और राजस्थान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे देवदत्त पादिकल। तो भैया साई सुदर्शन की करंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भैया बहुत ही अच्छी लय में नजर भी आ रहे हैं। जो इनका IPL का एक्सपीरियंस है आप कह सकते हो भैया कि एवरेज है, इंटरनेशनल अभी हालांकि इन्होंने कोई मैचेस नहीं खेले हैं। वहीं मैं बात करूँ भैया देवदत्त पादिकल की भी, तो इनकी जो करंट परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अच्छी आप कह सकते हो। जो इनका IPL का एक्सपीरियंस है वो भी आप कह सकते हो भैया कि ठीक ठाक ही है, लेकिन अभी इंटरनेशनल इन्होंने भी कोई मैचेस नहीं खेले। यहाँ पर भी भैया दोनों ही प्लेयर टक्कर के मुझे नजर आ रहे हैं, किसी का भी बल्ला चलेगा तो भैया समझो तबाही है दूसरी टीम के लिए। तो यहाँ पर भी भैया मैं किसी को पॉइंट नहीं दूंगा, दोनों ही बल्लेबाज मुझे एक ही तरह नजर आ रहे हैं, तो दोनों को मैं बराबर बराबर पॉइंट देता हूँ। चौथे नंबर पर आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या जो इस टीम के अभी कैप्टन है, राजस्थान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे संजू सैमसंग। हार्दिक पांडे की करंट परफॉर्मेंस की बात करूं भैया अभी स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन IPL और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा खासा है। वहीं मैं अगर संजू सैमसंग की करंट परफॉर्मेंस की बात करूं तो भैया आप कह सकते हो कि भैया एवरेज है, कोई ज़्यादा खास परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं है। वहीं इनका जो IPL का एक्सपीरियंस है आप वहां पर कह सकते हो कि भैया ठीक ठाक एक्सपीरियंस इनके पास है, लेकिन जो इंटरनेशनल का जो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो वहां पर भी भैया आप कह सकते हो कि एवरेज नजर आ रहे हैं। तो भैया यहां पर दोनों ही खिलाड़ी ना मुझे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर भी मैं ना किसी को पॉइंट नहीं दे रहा हूं। दोनों ही खिलाड़ी स्ट्रगल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, दोनों ही हालांकि खिलाड़ी बहुत ही अच्छे हैं, जिस दिन चलते हैं अपनी टीम के लिए अच्छा ही करके जाते हैं, तो यहां पर भी 50-50 में इन दोनों को रख रहा हूं। पांचवें नंबर पर आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे डेविड मिलर, वहीं पर आपको राजस्थान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे ध्रुव जुरैल। तो भैया अगर डेविड मिलर की बात करूं तो करंट परफॉर्मेंस की लाजवाब है, IPL और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और वहीं बात करूं भैया ध्रुव जुरैल की करंट परफॉर्मेंस आप कह सकते हो कि भैया ठीक ठाक है, लेकिन IPL और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना, लेकिन Under-19 में ना बतौर कैप्टन अपनी टीम के लिए खेलते हैं, वहाँ पर अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन भैया यहाँ पर ना डेविड मिलर का पल्ला मुझे ज़्यादा भारी लग रहा है ध्रुव जुरैल से, तो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट जाएगा ना वो डेविड मिलर को ही जाएगा। छठे नंबर पर आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे राहुल तेवतिया,
और वहीं राजस्थान की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे सिमरन हिटमायर। राहुल तेवतिया की करंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भैया बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, औसम आप लोग कह सकते हो। वहीं पर भैया सिमरन हिटमायर किसी से कम नहीं है, इनकी जो करंट परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही लाजवाब है। आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भाई लोगों सभी को पता है जब सिमरन हिटमायर का बल्ला चलता है ना तो भैया अच्छों अच्छों की बोलती बंद कर देता है। तो भैया यहाँ पर ना सिमरन हिटमायर मुझे अच्छी लय में नजर आ रहे हैं या भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल तेवतिया पे, तो मेरा जो पॉइंट जाएगा वो किसको जाता है, सिमरन हिटमायर को। सातवें नंबर पे आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे राशिद खान, वहीं पर आपको राजस्थान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे जैसन होल्डर। राशिद खान की करंट परफॉर्मेंस की बात करूं तो भैया लाजवाब औसम, मतलब आप अभी कह सकते हो भैया सुपर से भी ऊपर है। और वहीं इनका जो आईपीएल और इंटरनेशनल का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही अच्छा खासा है। जैसन होल्डर की बात करूं तो भैया इनकी जो करंट परफॉर्मेंस है इस टाइम आप कह सकते हो कि भैया एवरेज है। इंटरनेशनल और आईपीएल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन भैया यहाँ पर ना मुझे राशिद खान काफ़ी अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं, हर मैच में अपनी टीम के लिए 2-3 विकेट निकाल कर दे ही रहे हैं। तो भैया यहाँ पर जो मेरा पॉइंट जाएगा वो जाता है किसको, किंग खान यानी कि राशिद खान को। आठवें नंबर पे आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद समी, वहीं पर आपको राजस्थान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे रविचंद्र अश्विन। भैया समी की करंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भैया लाजवाब है, औसम है। इनका जो आईपीएल और इंटरनेशनल का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। वहीं भैया अश्विन भी किसी से कम नहीं है, इनकी जो करंट परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अच्छी है। और आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर भैया दोनों ही खिलाड़ी ना मुझे बराबर के नज़र आ रहे हैं, दोनों ही खिलाड़ी टक्कर के नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी भैया मैं किसी को पॉइंट नहीं दूंगा, यहाँ पर भी मैं 50-50 करता हूँ। भाई लोगों जो अभी तक मैं पॉइंट देख रहा हूँ या खिलाड़ी देख रहा हूँ ना भैया टक्कर के ही नज़र आ रहे हैं। पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो 2 पॉइंट गुजरात को दिए हैं मैंने और 2 पॉइंट राजस्थान को दिए हैं, या फिर कह सकते हो कि मिले हैं। तो यहाँ पर जो मुकाबला है ना वो आपको टक्कर का देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं भाई लोगों क्या होने वाला है, कौन सी टीम पॉइंट में ज़्यादा आगे रहती है। नौवें नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे गुजरात की तरफ से अल्जारी जोसेफ, वहीं पर राजस्थान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे आपको ट्रेंट बोल्ट या फिर एडम जंपा। अल्जारी जोसेफ की करंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भैया बहुत ही अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं और आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही तगड़ा है। ट्रेंट बोल्ट की बात करूँ भैया करंट परफॉर्मेंस आप कह सकते हो वो भी बहुत ही अच्छा है। इंटरनेशनल और आईपीएल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ट्रेंट बोल्ट भैया क्या करते हैं कि पहले ओवर में अगर इनको विकेट मिल गए तो मिल गए, नहीं तो थोड़े से कभी कभी महंगे साबित हो जाते हैं अपनी टीम के लिए। वहीं भैया एडम जंपा की बात करूँ तो जो इनकी करंट परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अच्छी है और आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस से वो भी बहुत ही जबरदस्त है। मतलब यहां पर भी भैया तीनों खिलाड़ी जो है ना एक से बढ़कर एक हैं, किसी को भी आप कम नहीं समझ सकते। तो भैया यहां पर भी मुकाबला है टक्कर का, तो इसीलिए भैया जहां पर टक्कर का मुकाबला होता है मैं वहां पर करता हूं 50-50। तो यहां पर भी मैं 50-50 ही कर रहा हूं। दसवें नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे गुजरात की तरफ से जोशुआ लिटिल, वहीं पर राजस्थान की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं युजवेंद्र चहल। भैया जोशुआ लिटिल की करंट परफॉर्मेंस की बात करूं भैया आप कह सकते बहुत ही अच्छी है। आईपीएल का जो इनका एक्सपीरियंस है अभी ज्यादा कुछ है नहीं और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं वहीं बात करूं भैया युजवेंद्र चहल की तो जो इनका करंट परफॉर्मेंस है भैया बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है और आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। तो यहां पर भैया युजवेंद्र चहल भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं जोशुआ लिटिल पर। तो भैया जो मेरा एक पॉइंट जाता है वो जाता है किसको, चहल को। 11वें नंबर पे आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे मोहित शर्मा, वहीं पर राजस्थान की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे कुलदीप सिंह। मोहित शर्मा की करंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भैया बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, अपनी टीम के लिए ना काफ़ी अच्छे साबित हो रहे हैं, काफ़ी किफायती साबित हो रहे हैं। वहीं मैं अगर बात करूँ भैया कुलदीप सिंह की तो जो इनकी करंट परफॉर्मेंस है वो आप कह सकते हो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो इनका आईपीएल का एक्सपीरियंस है आप कह सकते हो भैया एवरेज है। इंटरनेशनल का भी कोई भी एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। यहां पर भैया मोहित शर्मा ज्यादा अच्छी लय में नजर आ रहे हैं कुलदीप सिंह से, तो मेरा जो एक पॉइंट जाएगा वो जाता है मोहित शर्मा को। अब बात करते हैं भैया इंपैक्ट प्लेयर्स की। इस आईपीएल में ना इंपैक्ट प्लेयर का जो रोल है ना वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, कभी कभी बहुत ही अच्छा साबित हो जाता है अपनी टीम के लिए, कभी कभी
बहुत ही ज़्यादा महंगा साबित भी हो जाता है। तो भैया आपको गुजरात की तरफ से दो खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, पहला है विजय शंकर या फिर दूसरा आपको दिखाई देंगे यश दयाल। और वहीं पर राजस्थान की तरफ से भी आपको दो खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, एक तो है रियान पराग और दूसरा है संदीप शर्मा। अब मैं बात करूँ भैया विजय शंकर की, जो इनकी करंट परफॉर्मेंस है आप कह सकते हो भैया ठीक ठाक है, IPL और इंटरनेशनल का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है इनके पास। यश दयाल की करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया आप कह सकते हो कि एवरेज है, IPL और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है अभी समझ लो कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ भैया रियान पराग की, तो जो इनका करंट परफॉर्मेंस है आप कह सकते हो कि भैया ठीक ठाक चल रहा है, IPL का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी आप कह सकते हो भैया ठीक ठाक ही है। अगर मैं बात करूँ इनको इंटरनेशनल का कोई भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं पर संदीप शर्मा का जो करंट परफॉर्मेंस है आप कह सकते हो भैया कि ठीक ठाक ही है, और जो इनका IPL का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, इंटरनेशनल कोई भी एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट मेरे हिसाब से विजय शंकर को भी जाता है और एक पॉइंट जाता है संदीप शर्मा को, मतलब एक पॉइंट मैंने दिया विजय शंकर को, एक पॉइंट संदीप शर्मा को, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी ना अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छे साबित तो होते हैं जब ये खेलने आते हैं। तो अब दोस्तों अगर हम दोनों टीम के पॉइंट देखें तो भैया गुजरात के पास है 6 पॉइंट और वहीं पर राजस्थान के पास भी है 6 पॉइंट, मतलब मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आपको हो रही होगी लेकिन वो कन्फ्यूज़न हम दूर कर सकते हैं। वो कहाँ पर दूर होगी भैया? वो होगी आपको टेलीग्राम के चैनल पर, आप वहाँ पर जान सकते हो भैया कौन सी टीम आज का मैच अपने नाम पर कर सकती है, सिक्का किसके पहले में गिरेगा, या फिर कौन सा बल्लेबाज अच्छे रन मारेगा, कौन सा गेंदबाज अच्छी विकेट निकालेगा, ये सारी अपडेट हम लोग टेलीग्राम पर देते हैं मैच शुरू होने से पहले 2-3 घंटे पहले। तो भैया बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ से ज्वाइन करना भैया? डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है वहाँ से ज्वाइन करो, या फिर कमेंट बॉक्स में देखोगे वहाँ पर जो पहला लिंक दे रखा है सिर्फ वहीं से ज्वाइन करना है, क्योंकि भैया अफसा प्रोडक्शन हाउस के नाम से ना बहुत ही ज़्यादा फेक चैनल बना लिए गए हैं, तो फेक से बचकर हैं भैया टेलीग्राम से या कमेंट बॉक्स से ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित होती हैं आपके लिए। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।